रात को कॉल किया उनको 12:15 बजे मेरी नानी ने, पहले 6 कॉल उठाए नहीं। फिर बोला मुबारक हो लड़का हुआ है। पापा ने बोला अभी सो रहा हूँ परेशान मत करो। ताली बजा रहे हो इसपे। एक पॉइंट पे हमने औरतों को इतना जलाया वो आज भी एक दूसरे से जलती है। पता है तुमको, मैंने कभी तुम्हारी माँ के घर से दहेज नहीं लिया। मेरी माँ अंदर से बोलती है तुम दहेज नहीं ले रहे थे तभी करवाई थी तुमसे। चलो आर यू गाइस रेडी फॉर द मेन एक्ट ऑफ द इवनिंग? मेरे को पता है मैं ऐसा नहीं दिखता हूँ। तुम लोग ने मेरे को यहाँ पे आप बुलाते वक्त देखा, मेरे को देखने के बाद ताली बजाना बंद कर दिया। हाँ मेरे को पता है मैं छोटा हूँ, ठीक है, ऐसा परेशान तो तुम लोग को ऐसे देखने का जरूरत नहीं मेरे को। इसका पैसा खुद हाफ टिकट है। क्या लोगों भाई, क्या बोलते बोलते स्टैंड अप में गाली होती है उनको, मार ना बोलो क्या क्या बोलूं मैं। माँ बाप ब्लेम बहुत इजीली करते थे, बहुत ही बेसिक ब्लेम करते हैं। मैं इतने टाइम से हर जगह एक ही चीज, तुम कोई गलत चीज़ करोगे कि जब तुम्हारे बच्चे होंगे तब समझ आएगा। तुमने कभी कल अकेला छोड़ा है हमको? और वो खुद भी ढंग से नहीं मिल, मतलब ऐसा लगता है कि जो दो लोगों को कभी नहीं मिलना चाहिए था वही मेरे माँ बाप है। हाँ, और मैं तुमको स्टोरी सुनाता हूँ कैसे हुआ था। एक बार नानी काम करके वापस घर जा रही थी तो बारिश ज़्यादा तेज़ हो गई, तो उनको पता था यहाँ पर शायद लड़का देखना है, शायद अंदर चले गए लड़का देखने के लिए। वो भी ग्रीट कर रहे हैं और लड़का है भी नहीं, मेरे पापा थे भी नहीं उस दिन घर पे, वो बाहर काम पे गए थे। तो मेरे एक चाचू ने बोला मेरी तरह ही दिखता है। और मेरी नानी ने हाँ कर दी। और मेरे चाचू और मेरे पापा बिल्कुल भी सेम नहीं दिखते हैं, बहुत ही। उनके नाम भी कैसे थे बताओ, मेरे पापा के भाइयों के नाम क्या है, मुन्नू, लच्छू, और मेरे पापा का नाम पप्पी। पप्पी नामक लड़का यही पैदा करे और क्या। पप्पी इसका नाम है, ऐसा ही लग रहा है इन लोग मेन विलन के पहले जो 3 लोग मर रहे हैं उनका नाम है। और भाई क्या पैसा कमाया, पूरा सिंधी लोग भाई, लेजिट प्रूफ है भाई, कुछ नहीं चाहिए होता, सिर्फ में ताकत चाहिए होती है पैसे कमाने के, सारे सिंधी लोग। हाँ भाई, और फिर मेरे पापा बहुत ब्रैग करते थे मेरे सामने कि तुमको पता है, और ज़बरदस्ती शादी करा दी। मेरी माँ ने भी कभी नहीं देखा पापा को, ज़बरदस्ती शादी हो गई और मेरे पापा ऐसा ब्रैग करते मेरे सामने, पता है तुमको मैंने कभी तुम्हारी माँ के घर से दहेज नहीं लिया। मेरी माँ अंदर से बोलती है तुम दहेज नहीं ले रहे थे तभी करवाई थी तुमसे। खुद सोचो जो ईगो था मेरे बाप का। 19 साल की उम्र में, 19 ईयर्स ऑफ एज माई मॉम गॉट मैरिड, 19। या दैट्स, एंड आपको पता होगा पिछले जनरेशन में ऐसे ही थे सारे। इट्स वेरी वेरी सैड डूड, 19 साल की उम्र में शादी हो जाना, फक। आज की 19 साल की लड़कियां देखो, वेब फूक के ये कर रही हैं बस पूरे टाइम। मेरी माँ को उस उम्र में घर बना था, तो जब ये बेंच ये कर रही थी, पूरी रील बना रही थी, शट अप एंड बैन ये कर रही है। 19 साल की लड़कियाँ ये कर रही हैं जब मेरी माँ घर बना रही थी तब। और मैं मॉम, आई फील वेरी सैड फॉर दिस बिकॉज माई मॉम वॉज रियली ग्रेट एट स्टडीज, लाइक शी वॉज अ टॉपर। वो बायोलॉजी में भी, उन्हें बायोलॉजी लिया था, बहुत अच्छा पढ़ती थी, और उनकी ज़बरदस्ती 19 साल की उम्र में शादी करा दी। तो जब मेरे को इसलिए बुरा लगता है कि जब उनको अपनी ज़िंदगी बनानी चाहिए थी तब वो रोटियाँ बना रही थी, एंड दैट्स अ वेरी बिग चेंज, राइट? और जब उनकी शादी भी हुई थी तो ऐसा होता था कि एकदम से बोलते कि हम संतानी खानदान में बहुओं को काम नहीं करने देते। ऐसा सुना आप लोगों ने जो पुराने, कि हम काम नहीं करने देते, हम काम नहीं करने देते, हम काम नहीं करने देते। और मेरी माँ हाउस वाइफ है, एक क्षण नहीं होगा जब मैंने अपनी माँ को कुछ काम करते ना देखा होगा। इधर पे ताली बजानी थी तुमको, बट गांड ये नहीं, आप बताओ तुम्हारी माँ की कैसी मरी थी, ये औरत तो दूसरों का
एक औरत ही औरत का दर्द ही समझ रही है। आप फील कैसे? हम फील कर रहे हो, तभी तो ताली नहीं बज रही है ना, अभी इमोशनल। आप क्या करती हो? क्या उम्र है आपकी? 21 19। आप ज्यादा स्वीट हो, दूर हटो, आपको टॉल लौंडे चाहिए। आपकी तो हाइट भी बहुत लंबी है यार, है ना? डिफॉल्ट आंसर है ना, डिफॉल्ट आप तो बोल दो। आई लाइक शॉर्ट गाइस, बोल दो। आई लव शॉर्ट। अरे आपने ये बोला, पीछे से तीन लौंडे बोल रहे, रे सुल्तान कर दे चढ़ाई। पीआर पब्लिक नहीं है, ऐसे पब्लिक रिलेशन नहीं बना। आई फील रियली वेरी सैड एट दैट पॉइंट। एंड मैं अपने पापा को जाके एक दिन बोला भी था कि मेरे को लगता है पापा अगर मम्मी काम करती तो आपसे ज़्यादा पैसे कमा लेती। गलत साउंड किया थोड़ा। चुप रहो। मेरे पापा ने बोला बेटा वो औरत है, औरत कोई भी बात का यकीन दिला देती है हमें। मेरे को तो लगता है आज भी वो मेरे से प्यार करती है। अभिनव आप थेरेपी जाओ। कहते थेरेपी क्या होता है? मैंने कहा डिप्रेशन। कहते डिप्रेशन इंप्रेशन जबलपुर तक नहीं पहुँचता बेटा। ये सब भाई मुंबई बांद्रा साइड की कहानी है। हाँ बांद्रा बोलते मेरे पापा। बांद्रा बोलने में पापा को 15 मिनट लगते हैं। पूरा दुनिया घूम लिखी है मेरे पापा ने, हर कंट्री जाके। बस भाई बहुत मस्त है भाई। एंड आई जनरली क्वेश्चन दीज थिंग्स एंड आई ट्राई टू से इट बिकॉज आई जनरली जब पापा काम पे जाते थे तो मेरे को मेरे बहन थी और मेरे अपार्टमेंट में भी सारी लड़कियाँ थी, तो मैं जनरली मेरी मॉम और सारी बहनों के साथ ही पढ़ रहा हूँ, तो मेरे को पता था कि यार ऐसा क्या क्या चीज़ें वो गो थ्रू करती थी। और मैं भी, मेरे को ऐसा लगता है मैं भी एक औरत ही बन गया था। मैं भी चुगली करता था एक लड़की से। तुम्हें पता है क्या पहनी थी उसने? तो मैं ऐसा टाइप का इंसान बन गया था, मेरे को बहुत बुरा लगता था। एंड आई यूज टू थिंक अबाउट अ फ्यू थिंग्स। यू हर्ड दिस थिंग कॉल्ड मैन आर स्ट्रॉन्गर, ठीक है? वी ट्राई टू ग्लोरीफाई मैन आर स्ट्रॉन्गर। वर्स्ट फॉर्म ऑफ पेन दैट यू कैन एंड्योर एज अ ह्यूमन बींग is being burnt alive. Second, anyone wants to guess? Childbirth. Kya mood swings bola tune? Acha wo, ha ye bhi hai. Third ya second, but second I think it comes childbirth. Childbirth. Ab tumko pata hai ki being burnt alive 100 saal pehle tak sati pratha ke naam pe hum auraton ko jala rahe the. एक पॉइंट पे हमने औरतों को इतना जलाया वो आज भी एक दूसरे से जलती है। सारे लड़के एक दूसरे की तरफ सही बोल रहे हैं। हाँ इनकी वजह से हम जल रहे हैं। तेरा टॉप अच्छा है वैसे। उतार के देना एक बार, पीछे से लौंडे बोल रहे उतरवा दो ना भाई। हम लोग यहीं तक सोचते हैं बस, हमारी सोच यहीं से चालू के यहीं खत्म है, हमको नहीं पता कुछ और। सेकंड कम्स चाइल्ड बर्थ। ऑब्वियसली अपन इतना भी इवॉल्व नहीं हुए हैं एज ह्यूमन बींग्स की लौंडे पैदा करने लग जाए बच्चों को। हाँ वो आजकल, हाँ आके कोई लौंडा कहो बोल दे कि आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज अ प्रेगनेंट वुमन। मोटा है तुम्हें। तो मैंने सोचा यार डिस्कस करता हूँ, हाउ कैसे बोल रहे कि मर्द को दर्द नहीं होता जब वो दर्द ही नहीं झेला तुमने। जो दर्द सबसे ज्यादा वो तो झेला नहीं तुमने और बोल रहे मर्द को दर्द नहीं, तो ऑब्वियसली नहीं होता क्योंकि दर्द ही नहीं आया। सिंपल लॉजिक, ये लॉजिक सिंपल। मैं अपने दोस्त के पास लेके गया। इस दोस्त में तीन खामियां या तीन प्रोएक्टिव चीजें बता दूं इसके बारे में। एक, पहला कि ये मर्द था। दूसरा कि ये मेरा दोस्त था। और तीसरा कि ये जबलपुर से था, ठीक है? इसको मैंने पूछा, भाई देखो ना, इफ वुमेन हैज बीन थ्रू मोर दे आर स्ट्रॉन्गर देन मैन। कहती भाई ये सारे स्टैट्स गलत है। इधर पे सबसे मेन जो चीज़ होती है वो कभी लोग कंसिडर ही नहीं करते। मैंने कहा क्या भाई? वर्स्ट ऑफ पेन दैट यू कैन एंड्योर। मैंने कहा क्या भाई? कहता भाई कभी गोटे पे लात खाया? ये इसका फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है। क्यों बोल रहा हूँ भाई? चाइल्ड बहुत सफर करता है, गोटे पे लात खाया गया तुझे बता। मैंने कहा हाउ विल वी टेक ओपिनियंस ऑन दिस ऑफ अ वुमन? मैं नहीं पूछ सकता मैम आप गोटे पे लात तो, मतलब ऐसा मैं नहीं पूछ सकता ना।
भोपाल भोपाल आप गोटे पे लाते नहीं पूछ सकते मैं नहीं खा हाँ नहीं खाए हो द काइंड ऑफ आंसर्स यू गिव यू हैव बॉल्स फॉर श्योर दोस्तों शो यहीं खत्म हो रहा है फर्स्ट बार मैं लड़कियों को मैं अपनी माँ से जाके थोड़ा ना बोलूँगा मम्मी कभी गोटे पे लात खाए मेरी माँ मेरे को लगता है हाँ ना बोल देगी तू जैसे गोटे को इतना लात मारा है मैं चाइल्ड बट इन द स्पेक्ट्रम ऑफ इंडियन कल्चर ऐसा बोलते कि लड़कियों को तो बच्चे पैदा ही करने चाहिए है ना उनको फोर्सफुली एक ना एक बच्चा तो होना चाहिए देखिए शादी आप लोग को बोला बच्चे करने के लिए आपके माँ बाप अच्छे हैं उनको हाँ तो सही है तो बोलते रहते तो मेरे को भाई सिर्फ लड़कियां ही बच्चे पैदा कर रही कहता भाई ये लड़कियों के नखरे कभी खत्म हुए क्या मैंने कहा इसमें कैसे नखरे भाई कहता भाई हाँ मैंने बोला इसमें क्या नखरे कहता भाई इनको एक निकालने में प्रॉब्लम होता है अपने अंदर से मैं कल रात को अपने अंदर से 150 मिलियन निकाले भाई मैंने कहा हाँ लेकिन चूतिए वो उसको 9 महीने रखती है तो 9 सेकंड नहीं रख पाता काश मेरी परफॉर्मेंस में मेरी लड़कियां भी इतना चीक थी बट चले वेरी सैड गाइस जब मैं ऐसी बात कर हाँ वेरी सैड है ना मैं जब ऐसी बातें करता हूँ ना तो लौंडे आके बोलते हैं भाई तू ये सब इसलिए बोलता है क्योंकि ना तेरे को सिर्फ सेक्स चाहिए तू लड़कियों की तरफ से इसलिए बोलता है क्योंकि तू तुझे सेक्स मैंने कहा भाई वो तो है वो तो है यार लौंडा तो हूँ बट आई डोंट क्वेश्चन जेंडर रोल्स आई क्वेश्चन ऑपरेशन there's a big difference if a, like I believe in like generally freedom of speech in every sense for girl as well for example jaise aaj bhi we are in good towns like mumbai bangalore delhi ye sab acche towns yahan pe you know that there is equality on marginal levels but chote shaharon gaon mein aaj bhi aap dekho jahan pe ladki ko paida hi nahi hone dete hain ya jaan aaj bhi dowry ke cases chal rahe hain ya unko padhne nahi dete I'm talking about that aur mereko shayad pata hai ye videos wahan tak pahunchenge bhi nahi kyunki bahut saal lagenge wahan tak pahunchne mein There was this beautiful thing where I was like, it was one of the best things I watched recently on the internet. There was a video of like कि कैसे बहुत सारे Nobel Peace Prize winners थे ठीक है उसमें सारे लड़के थे और सिर्फ एक लड़की थी Albert Einstein भी थे उस पिक्चर में एनी वन नो कि वो एक लड़की कौन थी मैरी क्यूरी वेरी नाइस ये लड़की को भी पता लॉन्डो को नहीं पता ठीक है मैरी हाँ एंड देर इज ओनली 1% जिसने 2 Nobel Peace Prize जीते हैं द ओनली लेडी इन द फोटो हाँ एक्सेलेंट राइट नीचे पहला कमेंट आता है इट प्रूव्स दैट वुमन हैज टू डू ट्वाइस द वर्क टू रीच आवर लेवल मैंने लाइक किया कमेंट बट आई जनरली डोंट वांट टू क्वेश्चन जेंडर रोल्स इन एनी सेंस बट आई जस्ट वांट टू क्वेश्चन ऑपरेशन व्हिच हैज बीन गोइंग ऑन फॉर 5,000 years इन द कल्चर दैट यू नो 5,000 years इट्स 100 साल पहले तक हम लड़कियों को सती प्रथा के नाम पर चला रहे थे 100 साल पहले तक लॉन्डो को डिफरेंस नहीं पता था लड़की और लकड़ी में तुम समझ रहे हो तुम लोग डरो मत मैं क्या ही करूँगा भाई तुम लोग पुल बैक कर गए एकदम से वाले जोक पे इतना बढ़िया जोक लिखा था यार कोई बात नहीं पर फर्स्ट वाले शो में वाला फट गया था हाँ 100 साल पहले तो हम लोग यार इनको नहीं जलाना था तो लॉन्डो की फट गई ये क्या इंसान है ये भी मतलब क्या बात कर रहे हो इनकी भी फीलिंग्स है समझ नहीं तो इफ आई लाइक टू आस्क दिस क्वेश्चन टू फ्यू पीपल व्हाट डू यू फील कि ये ऑपरेशन जो है ये कितने साल और चलेगा छोटे गांव और शहरों में एनीवन 5,000 साल से चल रहा है एनीवन वांट्स टू आंसर दैट फील्स फ्री मैम आप एनी रैंडम गेस 50 ईयर्स 100 200 5,000 साल से चल रहा है एनी रैंडम गेस 200 नेवर इज नेवर नेवर इज द फर्स्ट आंसर एंड मैम यू वांट टू गेस 50 ईयर्स मैम एनी गेस भोपाल जैसे शहर में जो छोटा शहर है 100 साल 200 साल शायद 200 साल 200 साल 200 साल या हाँ 100 ईयर्स मैं ऐसा लग रहा है मैं जुआ सट्टा खिलवा रहा हूँ 200 लोग आप 200 है तब मन्ना तो खेल मन्ना ले लगा लगा आएगा क्या विमेन आएगा ले ले ये विमेन क्वालिटी आया कि नहीं आया विमेन क्वालिटी खुली नहीं रहा विमेन क्वालिटी खुली नहीं रहा 100-200 साल एवरेज आंसर आपका 100 to 200 years और 20 साल में शायद दुनिया खत्म हो जाए
तो हाँ 20 to 30 years dude 20-30, 20-40 तक शायद अपन अपने water deplete कर देंगे और 20-40 तक there are chances that we wouldn't have life. आपको तभी तो बच्चा नहीं करना चाहिए. हाँ 20-30 years दुनिया ख़त्म हो जाएगी. तो आप समझ रहे हो लड़कियों जो मेरे शोज देख रहे हो, आप जिन राइट्स के लिए पीछे भाग रहे हो शायद वो कभी आपको मिले भी ना. एंड दैट्स हाउ फाइट द स्ट्रगल इज. तो मेरा लास्ट पॉइंट यही है फिर कि फिर पराठा ठीक से बना दो ना. लाइक द फैक्ट कि स्टार्टिंग में लड़की में ऐसे पॉइंट दिख रही थी, ओह माय गॉड सच अ स्वीट गाय, लाइक मदर तुम्हारे साइड से ही बोलता हूँ, मैं तो पीरियड्स पे बात कर रहा था इतने प्यार से. हाँ मेरे को जनरली आई वॉन्ट टू रेज द अवेयरनेस मैम, आप जज करो, मैं आई रियली वॉन्ट टू रेज द अवेयरनेस एज मच एज आई कैन. वो सिर्फ लड़कियों ने वीडियो देखा, लॉन्डो ने देखा ही नहीं. मैंने एक लॉन्डो से पूछा भाई पीरियड्स पता है, अब गलती में बताता हूँ क्या थी इस मेरे क्वेश्चन में. जिस लॉन्डो से पूछा मैंने, ये लॉन्डा था मेरा दोस्त था, कहता भाई पीरियड्स पता नहीं, मोटा मोटा पता है. मैंने कहा क्या पता है, कहता भाई लड़कियाँ इतना खून चूसती हैं कहीं से तो भाई मैं ना ये रिलेट किया मेरा वीडियो लॉन्डो से इतने प्यार से. ब्रूट इंडिया ने मेरी ये स्टोरी कवर की थी, फीचर की थी, आपने देखा ब्रूट इंडिया. आई वाज सो हैप्पी डूड, एवरीवन वाज मैसेजिंग मी कि कांग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेशन. मेरे को दोस्त मेरे को पूछ रहे थे कि भाई तू फेम तेरा चढ़ा क्यों नहीं. मैंने कहा क्योंकि भाई मैं अपने घर पर अपने बाप के साथ रहता हूँ वो कभी नहीं चढ़ने देगा मेरे को क्योंकि. बट सरप्राइजिंगली फॉर द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज दिस, मेरे डैड को ऐसा मैसेज आया कि तुम्हारा लड़का ब्रूट इंडिया में है पता है. तो मेरे पापा का रिस्पॉन्स था क्या है ब्रूट इंडिया, टीवी पे तो नहीं आ रहा. तुमने कहा यार इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छा पेज है. इंस्टाग्राम उन्होंने डाउनलोड किया, उन्होंने खोला इंस्टाग्राम, तो फाइनली उन्होंने मेरा वीडियो भी देख लिया. पहले वो मैं हॉल में बैठा हूँ, इंस्टाग्राम पे पूरा ऐसा कर रहे हैं, अपना अकाउंट बना रहे हैं, कुछ नहीं सब स्किप कर रहे हैं कि बस देखूँ मेरे लड़के ने क्या किया. फाइनली देखा वीडियो, देखा आया वीडियो, आया टॉप पे विवेक समतानी टॉकिंग अबाउट पीरियड्स. वीडियो क्लिक किया, मेरे को पता है 4.5 मिनट का वीडियो है, मैं सुन रहा हूँ मेरे पापा सुनेंगे. 15 सेकंड बाद वीडियो बंद किया और कहते हैं पता नहीं क्या चूतिया आप डालते रहते हैं. और फिर मेरे को बता रहे थे देखो लड़कियां बढ़िया नाच रही है इधर पे. क्योंकि मेरा बाप उन्हें सेले में मर्द है, ठीक है भाई. मेरे पापा मेरे को बोलते तुम इतना जो ट्रैवल करते हो लोग आते हैं तुम्हारे शो पे. मैंने कहा पापा आते हैं. कहते मेरे को वीडियो भेजा करो. मैंने सारे वीडियोस भेजे, अपने सारे बेस्ट वीडियोस भेजे, एकदम ही बेस्ट वीडियोस सारे सीन पे छोड़ते गए. सुबह उठ के एक दिन मैंने पूछा पापा आप वीडियोज़ देखते हो, आप रिप्लाई नहीं करते हो. कहते बेटा सही बताऊँ. मैंने कहा पापा बताओ प्लीज़. अब गार बंद किया, साइड में रखा. कहते बेटा मेरे को समझ नहीं आता तुम्हारी बात पे लोग हंस कैसे देते हैं. मैंने कहा पापा मत बताते. कहते तभी तो रिप्लाई नहीं कर रहा था. तो अभी भी नहीं बताते ना ये सिद्धि बाप अलग ही क्रिएचर है भाई, अलग ही क्रिएचर है भाई एकदम. मेरे को ऐसा लगता है कि मार्स पे सिद्धि बाप पहले मिलेंगे पानी से, वो ज्यादा आगे जा सकते हैं भाई. जिन समझ ही नहीं आ रहा बहुत ही. मेरे पापा एक बार मैं अपनी गर्लफ्रेंड को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया इस इंसान से. मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को इंट्रोड्यूस करवाया. हाँ इंसान ही बोलूँगा अब मैं क्योंकि मेरे पापा ये गर्लफ्रेंड मेरी. फर्स्ट क्वेश्चन पता है क्या था मेरे पापा का उससे, करीब हो क्या. बेचारी 6 महीने से प्यार कर रही है मेरे को, इसके पापा को तो मैं जीत लूंगी. बाप उधर गरीब हो गया क्योंकि हम इसके साथ 24 साल से हैं, हमको कभी प्यार करने लायक नहीं. तुमको क्या प्यार करने लायक लगा, इतना बुरा लगता है. और मैं 12:15 बजे रात को पैदा हुआ था जून में.
10 बजे मेरे पापा घर चले गए थे. रात को कॉल किया उनको 12:15 बजे मेरी नानी ने. पहले 6 कॉल उठाए नहीं. फिर बोला मुबारक हो लड़का हुआ है. पापा ने बोला अभी सो रहा हूँ परेशान मत करो. ताली बजा रहे हो इसमें. ये मेरा बाप है भाई. ये इंसान ने मेरे को लगता है फेम चढ़ेगा मेरे को. कभी नहीं चढ़ेगा. मैं एक लास्ट स्टोरी सुनाता हूँ थोड़ी सी डार्क है. 10 मिनट के बाद थोड़ा सा करते हैं. 10 मिनट मेरे पास आ रहे हैं. मैं स्टोरी आई डोंट नो हाउ टू शेयर दिस स्टोरी बिकॉज इट्स वेरी इमोशनल ऑन सम लेवल. बिकॉज मेरे से अक्सर लड़कियाँ पूछते रहती हैं विवेक तुम्हारा कोई पास्ट ट्रामा है क्या. मैंने कहा पास्ट ट्रामा नहीं उसको दीपक संतानी बोल सकते. कैसा लगता है जब इतना टॉक्सिक इंसान तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है. मैं तो रेडी हूँ रिलेशनशिप्स के लिए. मेरे पापा ने मेरे को सिखाया आई लव यू टू आप भी ब्रह्मानपुर ब्रह्मपुर जो भी. भाई मेरे घर पे बताओ लड़ाई कैसे होती है. 0 से 100 बीच का कुछ डिस्कशन ही नहीं है. बीच का कुछ डिसिंदीज कुछ डिस्कशन नहीं है. पापा काम से हैं खाना खराब बना हुआ है. पापा ने बोला इतना खराब खाना खिलाते हो मेरे को लगता है कभी कभी मैं खाई से जाके कूद जाऊं. ये फर्स्ट कॉन्वर्सेशन है. 0 खाना खराब बना है मैं मर जाऊं. बीच का कौन करेगा लड़ाई. इसमें भी डिस्काउंट है क्या सिंधियों में. ठीक है भाई. और ये क्या तरीका है किसी और को सफर कराने का कि मैं मर जाऊं ताकि तुम सफर करो. और मेरी माँ का भी रिस्पॉन्स सीधा अंदर से कि हाँ तुम्हारे घर जिस हिसाब से चल रहा है मेरे को लगता है मैं खुद को जला लूं. तुम्हारे घर वाले ने मेरे को इतना परेशान किया खुद को जला लूं. इसमें मैं बैठ के वही खाना खा रहा हूं. और मेरे पापा रिस्पॉन्स दे रहे कि खाना तो जला ही देती हो. खुद को भी जलाओगे हमको भी तो पैसे फायदा होगा. ये रिस्पॉन्स है मेरे बाप का भाई. और मैं सोच रहा था कि इन दोनों की लड़ाई में मैं अपने माँ बाप क्यों हार रहा हूँ. और मेरे पापा गुस्से में चले भी जाते थे कार की चाबी लेके. हाँ कार थी भाई. पैसे थे भाई. पैसे नहीं होंगे क्या. मैं हाँ हल्के में ले रही है सिंधी होगा. इतना पैसा ना बेटा हम सिर्फ एक जगह 2-3 जगह खर्च करते हैं. घर पे करेंगे या शादियों में करेंगे. कि ताकि शादियों में लोग आके बोले इतना पैसा था इसके पास कि शादी में उड़ा दिया. ये सिंधी लोग बेस्ट. चले जाते थे पापा गुस्से में कार की चाबी लेके कि मैं जा रहा हूँ मरने. बीच में शायद आती थी हमारी दुकान तो रुक जाते थे. बट तुम समझ रहे हो जब पापा जा रहे हैं लड़ाई करके देन आई एम द मैन ऑफ द हाउस. This is the man of the house. Boy of the house. Boy, अरे तेरी माँ बहन. This is the man of the house. तो मैंने अपनी माँ को 2 चाटे लगाए खाना क्यों नहीं सही बना. मजाक कर रहा हूँ. चिल मारो. मेरी माँ भी छोटी थी ऊपर से चले जाते. I came to gush that at some point in my life. I'll try to discuss the story. These are just jokes. And even when my parents talk about it, it's just dark humor. It's just dark. They never mean those stuff. And they laugh while saying all these things. And that's the love. Surprisingly, that's the love that they say. But that's the... But ek bar mere life mein aisa hota ki mere dad ko leukemia jo hota na, blood cancer, wo detect hua tha when I was in 3rd year of college. To main college chhod ke wapis aaya tha. तो फाइनली वो आपको पता ना जब व्हेन यू सी द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन लाइफ वेरी वीक इवन यू फील लाइक कि डूड मतलब पूरा बैकबोन तो तुम कभी थे ही नहीं अपनी भाई. आई सॉ दैट मैन एंड फर्स्ट टाइम मेरे को किसी वीक लगे वो. फिर उन्होंने मेरे को बुला के फाइनली कुछ बातें बताई और उन्होंने बोला कि ये मेरे को नंबर दिखाया. मैंने कहा क्या हुआ पापा इस पर कॉल करना है. तो कहते नहीं बेटा ये अपनी नेटवर्थ है. तू सगा बाप तो नहीं हो सकता मेरा. तूने पक्का से कहीं
उठाया है मेरे को, इतना पैसा था तो रॉयल स्टैग क्यों पी रहे थे अपन? मेरा बाप बोलता बेटा रॉयल स्टैग पी रहे थे तभी इतना बचा है। मैंने कहा बढ़ते टाइम ही तेरे को ज्ञान छोड़ना है पहले, किया है भाई। फिर मेरी बहन आई हॉस्पिटल में, इतनी नफरत हुई है ना मेरे को मेरी बहन से उस दिन। मैं नंबर देखने से पहले मैं प्यार करता था बहन से। अब मेरे को समझ आ रहा था महाभारत हुई क्यों। बहन से प्यार करता हूँ, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ यार, लेकिन मतलब मैं अपनी बहन के साथ कोचिंग जाऊंगा तो तीन लड़कियां थोड़ी ना मेरे से चिपकेंगी। लेकिन अगर मैं मर्सिडीज में कोचिंग, सेक्स मिलेगा ना नहीं मिलेगा भाई? मैं अपनी बहन से सेक्स थोड़ी ना मांगूंगा, वो रियल सिस्टर थी, स्टेप सिस्टर थोड़ी ना थी। मैं तो रोज सीढ़ियों में तेल गिरा देता था। बड़ा मेरी बहन बहुत मोटी थी भाई, बहुत। मेरे को था कि भाई मैं पूरी जिंदगी भर हादा रहा हूँ, मेरे को कोई चीज़ तो पूरी मिले, इसको तो जाना पड़ेगा। अरे जाना पड़ेगा, वो गिरे ताकि वो ऊपर जाए, आप समझे? हाँ सीढ़ियों, उसको समझ नहीं, सीढ़ियों में तेल क्यों गिराएगा ये? कुछ सेक्स शो इसमें सीट, कोई फैंटेसी नहीं। भोपाल में होते होंगे ऐसे हम लोग। बहन गिरा देता, भगवान का जोबा। देखो मेरी बहन बहुत मोटी है, आपको पता है 1997 में अर्थक्वेक आया था। उस दिन मेरी बहन भाई बता रहा हूँ, वो भगवान के अजूबे हैं ये, कि वो गिरती भी थी सीढ़ी से, भगवान के अजूबे वो ऐसे हो जाती थी, इतनी मोटी। कुदरत के खेल हैं ये तो। और मैं अपनी बाप की तरफ देख बोलता, चार सीढ़ी और बना दी होते तो एक सीढ़ी का आरओआई पता है मेरे लाइफ में कितना होता? मैं तो आप जानते हो। फिर तो और बुरा हुआ मेरे साथ, पापा को कैंसर डिटेक्ट ही नहीं हुआ। You guys can chill. मेरा बाप है, उसने बोला बेटा ये वाला कर दे जोक, इस पे ज्यादा टिकट बिकेंगी अगली बार। तो मैं भी सिंधी ही, हम दोनों हाई फाई किए, बैंक दिए भेज देंगे। हम दोनों भाई। तो अब कभी कभी मैं किचन में जाके गैस तेज कर देता हूँ, ताकि मम्मी पापा बोले खाना जला क्यों है। मेरे को लगता है मैं खाई से जाके मैं चाबी देता हूँ, पापा आई डोंट वांट टू, जरूरत नहीं इसकी। मेरी माँ बोलती है कि मैं जला लूँ, कैरोसिन बाजू में पड़ा है। थैंक यू गाइस, यू बीन लवली ऑडियंस। I do want to share one thing about my father, dude. And this is the most beautiful thing about him, is that irrespective of anything, dude, jo main cheeze bolta hu, in being in Jabalpur, being in any other city or something like that, doing this in India, I think it's the most privileged, and I'm the most grateful person that I have my parents who support me in for this. Mera pa aaj bhi main nikalta hu to without any knowledge mein ko aise 2-3,000 de dete hain. And that's just pure love, dude. और ये शर्ट भी मैं उनके जैसी ही शर्ट है, तभी मैं पहन के अपने पापा का नाम, आई वॉज वेरी इमोशनल। और कभी भी मैंने कहा कि ड्राइवर पूरे टाइम नहीं रहता ना। तो 9 से 6 के बीच में ड्राइवर नहीं रहता, तो मेरे डैड जेनरली डूड सुबह उठ के, चाहे 3:30 बजे हो, 4:30 बजे हो, 5:30 बजे हो, कितने भी टाइम पे हो, एयरपोर्ट हो, बस स्टॉप हो, या उसमें वो मेरे को छोड़ने आते हैं, पिकअप करने आते हैं। एंड आई थिंक डूड जनरली वर्क 45 years टू गिव मी दिस ब्यूटीफुल लाइफ, बिकॉज आई कैन लिव माई ड्रीम, एंड दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इट माई फादर से, बिकॉज पार्टीशन से हम लोग सिंधी लोग, हमारा फर्स्ट जनरेशन या सेकंड जनरेशन मैक्स मनी, हम लोग के पास बचपन पुश्तैनी पैसा नहीं है। तो मेरे डैड का एक बहुत प्यारा थॉट था, बेचारे स्टिल जाए कि मेरे डैड का एक बहुत अच्छा, कि मेरे डैड की वजह से मैं अपने सपने नहीं जी पाया, मेरी वजह से तू जिएगा वो। एंड दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग आई सी एवर इन माय लाइफ, दो आई डोंट थिंक एनीवन कैन गेट सच ब्यूटीफुल रिस्पेक्ट। हाँ ठीक है, थोड़ा लड़ते हैं, बट तो आई रोट वेरी ब्यूटीफुल पोइट्री फॉर माई फादर, ठीक है? तो द पोइट्री इज कॉल्ड बाप बाप होता है, ठीक है? तो बाप बाप होता है, जब मैं बोलूँगा तो आप लोग साथ बोलोगे बाप बाप होता है, फिर मैं एक लाइन बोलूँगा, 2-3 रीटेक्स लग सकते हो, क्योंकि मैं पोइट्री उट्री करता नहीं हूँ ज़्यादा। तो आप लोग सब तेज क्या बोलोगे? बाप बाप होता है, बोलो एक बार।
तो ये आप लोग को बोलना जब जब मैं बोलूँ, ठीक है? ठीक है, तो एक बार बोलो, उसकी मेहनत के पीछे तुम्हारा दिल चैन से सोता है, तुम्हें हंसा के न जाने वो खुद कब रोता है, तुम्हें पूरा करने के चक्कर में शायद खुद को खोता है, ऐसे बच्चे से प्यार करता है, सोचो उसका सिक्का कितना खोटा है। और दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान है जो तुम्हारी माँ सही में चूता है।